कम ऑन, ये पियोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने देखा ना क्या हुआ योंजा? उस जाहिल लड़की की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा, और वो भी सबके सामने। मुझे इस तरह मत देखो जेमरी। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस वक्त मुझे कैसा फील हो रहा है योंजा। मैं अंदर से मर रही हूँ। एमिर के साथ जब उस लड़की को देखती हूँ मेरा दिमाग खराब होता है, खून खौलता है मेरा। जेमरी, रेहान उसकी वाइफ है। ऐसा मत कहो, प्लीज मत कहो। मैं जानती हूँ एमिर को लेकर तुम्हारी क्या फीलिंग्स हैं, पर अब तुम्हें वो सब भूल जाना चाहिए। फिर से वो सब शुरू मत करो, मुझे नहीं सुनना है। जेमरे, अपने आप को संभालो। सुहेला आंटी तुम्हें ऐसे ना देखे तो अच्छा है, वो परेशान हो जाएगी। क्या हुआ बेटा? शायद इसने कुछ पी लिया है इसलिए इसके पेट में दर्द था, पर अब सब कुछ ठीक है ना जेमरे? जेमरे, मैं ठीक हूँ मॉम। आप तो योंजा को जानती हैं ना, मिस पैनिक। मैं कॉफी पीने वाली हूँ, किसी को चाहिए? नहीं बेटा, मुझे भी नहीं। क्या बात है मॉम? आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, बस पार्टी की वजह से थोड़ा ज्यादा थक गई हूं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, प्रॉमिस। ठीक है, अपने प्रॉमिस को कभी मत भूलना। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। हाँ मॉम, आप फिक्र मत कीजिए,